Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here is a book, the name is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 9 and the name is Getting Started with Python. So yes, we are going to learn what is Python and how to work on it. So, in this chapter, there are some points that we are going to learn. We will learn what and why Python. Kya hai Python aur kyun hai? Installing the Python, kaise se install karna hai? Getting started with Python, components of idle Python. Working in interactive mode mein kaise kaam karna hai? Variables, kaun se hote hain Python mein? Working in script mode with Python, data types, using input function, kaise use karna input function ko, using print function. So these all topics we are going to cover in this chapter. Let's start with before we begin exercise. So here what you have to do, you have to find out the name of any 10 programming languages used nowadays. So, आजकल आज के टाइम में जो भी programming languages use की जा रही हैं, उनमें से 10 के name आपको यहाँ पे लिखने हैं. So, let's start our first topic, which is what and why Python. So, in this chapter, we will learn basics of Python programming. क्या-क्या basics हैं Python programming के, and which is one of the most powerful high-level language. और ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेज में से एक है. पाइथन इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज़ यूज्ड टू राइट कोड्स फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. और इसे यूज़ किया जाता है कोड्स लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स में. पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम. पाइथन जो है ग्यूडो वैन रोसम ने क्रिएट किया था व्हेन ही वॉज वर्किंग एट सेंट्रम Viscudi and Informatica, which is a national research institute for mathematics and computer science. तो इन्होंने इस इंस्टीट्यूट में काम करते वक्त ये पाइथन प्रोग्राम डेवलप किया. और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, नीदरलैंड में. The language was released in 1991 में इस लैंग्वेज को रिलीज किया गया था. Some of the features to make Python so popular are, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, let's see what are they. It is an easy to learn general purpose high level language. ये काफ़ी ज़्यादा easy है और ये एक general purpose high level language है. It is a platform independent, means इसे platform की ज़रूरत नहीं है. ये platform independent programming language है, which means it can be used on any machine or in any operating system. It has a simple syntax. और इसके जो syntax हैं वो काफ़ी ज़्यादा simple हैं. Python is a case sensitive language. ये case sensitive language है, means जैसा कि हमने पढ़ा था अभी अपने previous chapter में कि केस सेंसिटिव क्या होता है, कैपिटल लेटर्स कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में ये डिफरेंस कर पाता है. तो अगर आपको कैपिटल ए फिल करना है तो कैपिटल ए ही फिल करेंगे आप, उसकी जगह स्मॉल ए फिल नहीं कर सकते. इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इट इज़ फ्री टू यूज़ एंड इवन फ्री फॉर कमर्शियल रीडिस्ट्रीब्यूशन. ये फ्री है यूज़ करने के लिए और कमर्शियल रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये फ्री है, कमर्शियली भी आप इसे यूज कर सकते हो. पाइथन इज अ पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न लैंग्वेज. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ईजिली लर्न करने वाली लैंग्वेज में से एक है. इट कैन बी यूज टू डू द फॉलोइंग. ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं पाइथन में. पहला है बिल्ड अ वेबसाइट. वेबसाइट को बिल्ड किया जा सकता है इसमें. डेवलप गेम्स. गेम्स भी आप डेवलप कर सकते हैं. प्रोग्राम रोबोट्स. रोबोट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं. परफॉर्म साइंटिफिक कॉम्प्यूटेशन. आप यहाँ पे साइंटिफिक कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं. डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस और एआई बेस्ड एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पे आके जो है डेवलप कर सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं व्हाट एंड हाउ टू इंस्टॉल पाइथन. कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है. तो इतने सारे बेनिफिट्स आपने देखे. ये देख सकते हैं आप पाइथन का लोगो, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पेज में देखा था. तो पाइथन का एक्चुअल लोगो ये है.
Python can be easily installed on your computer by the given steps. ये कुछ steps हैं. पहला हमें क्या करना है, पहले हमें डाउनलोड करने के लिए पाइथन विजिट करना है www.python.org/downloads पे. तो ये जो वेबसाइट आपके सामने मेंशन है चिल्ड्रन, सबसे पहले हमने हमें जो अपना URL है वहाँ पे इसे टाइप करना है एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड पाइथन बटन. और वहाँ पे जाके डाउनलोड पाइथन बटन आपको डाउनलोड से मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. Under the download the latest version of Windows and you will get an .exe file. और वहाँ जाते ही आपको .exe file मिलेगी. Double click on the .exe file. उस .exe file पे हमें double click करना है and run or install now. Run या फिर install now पे click करना है. And to start the installation, की फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस टू इंस्टॉल पाइथन. और जो जो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रहे हैं उन सबको फॉलो करते जाइए और ऐसे आपका पाइथन प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आ जाएगा. अब आता है नेक्स्ट, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन. अब पाइथन में कैसे वर्क करना है. सो आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मोड्स. तो जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है तो दो मोड्स हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो पाइथन में. पहला है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड. द इंटरैक्टिव मोड इज द डिफॉल्ट मोड. ये एक डिफॉल्ट मोड है. जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक डिफॉल्ट पेज मिलता है, वैसे ही ये एक डिफॉल्ट मोड है. तो जब भी आप पाइथन को स्टार्ट करेंगे ये मोड ही आपको मिलेगा. टू लॉन्च द इंटरैक्टिव मोड क्लिक ऑन स्टार्ट, स्क्रॉल डाउन द पाइथन 3.7, आइडल पाइथन 3.7, द आइडल स्क्रीन अपीयर्स एज शोन इन डायग्राम. तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, ये सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये जो स्क्रीन है आइडल स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ आइडल पाइथन. अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस स्क्रीन के, सेम स्क्रीन आपको यहाँ नीचे भी देखने को मिल रही है. अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप देख सकते हो सबसे ऊपर है हमारा टाइटल बार. दिस पार्ट जहाँ पे आपको उस प्रोग्राम का नाम दिखेगा वो आपका टाइटल बार होता है. उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शन, इंडो, हेल्प. इसे हम मेन्यू बार कहते हैं. अब उसके नीचे आपको ये एरिया दिख रहा है, वाइट स्पेस. यहाँ पे हम अपने कमांड को प्रिंट करते हैं तो इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं. नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो कमांड के पास क्या है, ये एरो बने हुए, थ्री एरो. इनके सामने ही हमें प्रोग्राम को लिखना होता है, कमांड को लिखना होता है. तो ये था हमारे कंपोनेंट्स हमारे आइडल पाइथन स्क्रीन के. और नीचे आप देख सकते हो स्टेटस बार दिख रहा है जहाँ पे आपको लाइंस, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल बार. दिस इज द एरिया दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन and the document. It also contains buttons like minimize, maximize, restore, close. तो ये सारे buttons आपको title bar में मिलेंगे और ये जो है जो आपका application है उसका नाम display करने के लिए होता है. फिर आता है आपका menu bar. ये menu bar जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे components होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, file, edit, shell, debug, option, windows, etc. Next, अब इसमें जो file क्या है वो क्या होता है. तो फाइल में इन दिस मेन्यू यू विल वर्क यूज इज यूज टू वर्क विद द ऑप्शंस रिलेटेड टू द करेंट फाइल. सो आप देख सकते हो फाइल मेन्यू आपके सामने. फाइल में आपको न्यू, ओपन, ओपन मॉड्यूल, रिसेंट मॉड्यूल, पाथ ब्राउजर, सेव, सेव एज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. फिर आता है आपका द एडिट मेन्यू. तो एडिट मेन्यू में आपको एडिटिंग के सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे अंडू, रीडू, सेलेक्ट ऑल, कट, कॉपी पेस्ट मिलेगा. फाइंड कर सकते हो चीज़ों को, फाइंड अगेन, फाइंड सेलेक्शन, फाइंड अ फाइल, रिप्लेस, गो टू लाइन, सो कम्प्लीशन, एक्सपैंड विंडो, कुछ भी चीज़, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस एडिट मेन्यू में मिलेगा. ये फाइल को एडिट करने के काम आती हैं. फिर आता है आपका हेल्प मेन्यू. हेल्प मेन्यू में आपको अबाउट आइडल मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है उस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे हेल्प में उसे ढूंढ सकते हो. तो हमें क्या करना है, प्रेस करना है F1 की या फिर हेल्प मेन्यू और हम अपने सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन यहाँ पे हमें मिल सकते हैं. अबाउट आइडल मिल सकता है, आइडल में कोई तरीके की हेल्प चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो.
फिर बारी आती है कमांड प्रॉम्प्ट की. द कमांड प्रॉम्प्ट इज डिनोटेड बाय 3 ग्रेटर देन साइन. तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये 3 साइन होने चाहिए. इसके आगे ही हम अपने जो भी कमांड्स है वो लिखते हैं. सो दिस इज द एरिया वेयर यू टाइप अ कोड. ये वो जगह जहाँ पे अपना कोड आप टाइप करते हैं. फिर बारी आती है स्टेटस बार की. स्टेटस बार क्या है, हमें करंट स्टेटस बताता है हमें प्रोग्राम का. और आप हैंड कर्सर ऑफ द विंडो, जो कर्सर है उसका भी स्टेटस बताता है. अब हम सीखेंगे कैसे हमें वर्क करना है इंटरैक्टिव मोड में. सो इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन. सो इस इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, जो भी पाइथन की जो भी कमांड्स हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट किए जाते हैं गिविंग द आउटपुट. इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. तो जो भी कमांड्स हैं आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट के आगे लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप 3 + 6, अगर आपको ये टाइप करना है तो आपको ये जो है इस प्रॉम्प्ट के सामने जैसे हम टाइप करेंगे इट विल गिव अस द रिजल्ट 9 ऑन प्रेसिंग एंटर की. तो इस किसी भी कमांड को लिखने के बाद हमें एंटर की प्रेस करनी है. अब कैसे वर्क करना है इंटरैक्टिव मोड में, यहाँ पे कुछ प्रोसीजर दिया गया है. सबसे पहले हमें क्लिक करना है, स्टार्ट पे जाना है, फिर हमें पाइथन 3.5 पे जाना है. आइडल पाइथन स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी. अब उस पर हमें ओपन करना है पाइथन शेल विंडो को, जो कि हमारा इंटरैक्टिव मोड है जहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट दिखाई देगा. अब हमें क्या करना है, अपने कमांड्स को स्टार्ट करना है, टाइप करना वन बाय वन जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, और एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है. पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट. पाइथन आपको तुरंत ही जो भी आउटपुट होगा वो देता चला जाएगा. द इंटरैक्टिव मोड इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग कोड. ये जो इंटरैक्टिव मोड है ये कोड्स को टेस्ट करने के काम के लिए होता है. वेयर यू टाइप द कमांड वन एट अ टाइम एंड गेट द रिजल्ट और एरर इमीडिएटली. जहाँ पे आप कमांड को टाइप कर सकते हो और आपको जो भी रिजल्ट है या जो जो भी एरर है वो तुरंत ही पता चल जाता है. नाउ चिल्ड्रेन द नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग अ मैसेज. सो ये है आपका प्रिंट फंक्शन. ये जो प्रिंट फंक्शन है इसे यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन. किसी भी कमांड का आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन को यूज किया जाता है. एंड इट कैन बी यूज टू प्रिंट अ स्पेसिफिक मैसेज. किसी भी स्पेसिफाइड मैसेज को प्रिंट करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिख रहा है, उसके आगे प्रिंट आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है पैराथीसिस में. एंड जैसे हमने ये टाइप किया ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा. या आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे आपने लिखा प्रिंट के साथ हेलो वर्ल्ड पैराथीसिस में और हेलो वर्ल्ड आपके सामने आ गया. सो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि पाइथन जो डिफरेंशिएट करता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बीच में. जैसे कि अगर हमने पी टाइप किया कैपिटल पी, अगर हमने प्रिंट पी टाइप किया एंड प्रिंट टाइप किया लोअर केस में, आर टू डिफरेंट थिंग्स इन पाइथन. अगर हमने कैपिटल पी टाइप किया स्मॉल पी टाइप किया तो दोनों अलग अलग चीजें हैं पाइथन में. वेयर प्रिंट इज अ वैलिड कमांड फॉर पाइथन, वेयर प्रिंट इज जस्ट अ वर्ड नॉट अ कमांड. सो अगर हमने प्रिंट स्मॉल पी लिख के प्रिंट की स्पेलिंग लिखी तो ये इसका मतलब है ये कमांड है. लेकिन अगर हमने कैपिटल पी लिख दिया तो पाइथन के लिए सिर्फ ये एक वर्ड होगा ना कि कोई कमांड होगा. चिल्ड्रेन यू कैन ऑल्सो पास मोर देन वन आर्ग्यूमेंट टू द प्रिंट फंक्शन. हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं प्रिंट फंक्शन में. एंड इन सच अ केस आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एज शोन इन फिगर. और ऐसे केस में क्या होता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स उसे हम कॉमास से सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट में हमने टाइप किया पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हमने कॉमा को यूज किया और दूसरा लिखा इट हैज ईजी सिंटेक्स. तो जैसे हमने ये लिखा कॉमा को लिख के तो ये हमारे सामने आंसर आ गया कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड देन स्पेस बार एंड इट हैज ईजी सिंटेक्स. दूसरा आप देख सकते हो 10 + 56 कॉमा 10 + 56 हमने लिखा, सो आंसर इज 66. अगेन हमने लिखा 10 × 8 - 50
plus 30 multiplied 2 divided by 10. So we are going to get the answer 36. Similarly, there is another example that we can see. Now children, the next topic is using IDLE as a calculator. IDLE ko ye jo screen hai, ise hum as a calculator use kar sakte hain. So to evaluate an arithmetic expression, it is not necessary to use a print function. Kisi bhi arithmetic expression ko likhne ke liye zaruri nahi ki print function hi likha jaye. You can type an arithmetic expression at the Python command. Hum directly hi Python command में हम वो algebraic expression या फिर arithmetic expression type कर सकते हैं और enter key press कर सकते हैं. जो interpreter है वो क्या करेगा, automatically आपका जो भी question है उसे पढ़ के उससे related जो भी result है वो आपके सामने रख देगा. And in this case the interpreter act as a simple calculator. और इस case में जो interpreter है वो as a calculator use होता है. The expressions are evaluated using operators. ये जो expressions है इन्हें evaluate किए जाते हैं ऑपरेटर्स को यूज करके, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे. द बेसिक बोडमास रूल आर फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. और यहाँ पे भी आपके मैथमेटिक्स की तरह बोडमास रूल को फॉलो किया जाता है आपके जो भी कैलकुलेशन है उसे परफॉर्म करने के लिए. ये यू कैन सी 10 प्लस 20 इज 30, 45 डिवाइडेड बाई 6 इज 7.5, 65 2 times divided by sign is there, it is 8, and 45 multiplied by 78.7 is 3541.5. So this is how you can enter the commands and it will give you the appropriate result. Next let's learn about the variables in Python. Kaun kaun se variables hain jo hum yahan pe use karte hain. So if you need to store some food for future use, what will you require? Maan lo ki aapko khana thoda sa preserve karke rakhna hai, bacha ke rakhna hai aage ke liye, to aap kya karoge? So aapko kaise hoga, ek container chahiye hoga jisme aap ye khana aasani se rakh sako. Aise to nahi rakh sakte. Similarly when you are working with the values of Python, jaise hi aap values ke sath work kar rahe Python mein, यू रिक्वायर सम स्टोरेज लोकेशन. आपको क्या चाहिए, एक स्टोरेज लोकेशन चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे ये सारी वैल्यूज को स्टोर किया जा सके बाद के लिए. नेम स्टोरेज लोकेशंस इन द कंप्यूटर मेमोरी. तो कुछ जो है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन दिए गए हैं विच आर यूज टू स्टोर डेटा आर कॉल्ड वेरिएबल्स. और ऐसे स्टोरेज लोकेशंस को वेरिएबल्स कहा जाता है. अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम. ये जो वेरिएबल है ये क्या करता है, एक ही डेटा वैल्यू को एक समय में स्टोर कर पाता है. वेर अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल, इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स ओवर रिटन. तो जब हम एक नई वैल्यू डालेंगे तो जो पुरानी वैल्यू है वो गायब हो जाएगी, ओवर रिटन हो जाएगी. मीन्स उसके ऊपर ही दूसरी वैल्यू लिख दी जाएगी, पुरानी आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते. Now let's see what's written in extra byte. An idle you press, in idle you can press alt plus p to repeat the previous command. Idle में आप क्या कर सकते हैं, alt के साथ p को press करके previous command को repeat कर सकते हैं. Next is assigning values to variables. अब ये जो variables हैं इनको कौन कौन सी values दी जाती है ये हम पढ़ेंगे. सो वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल्स यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके थ्रू हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू 25 है. तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स को जो है वैल्यू दे दी गई है 25 की. एक्स एक वेरिएबल है जिसे वैल्यू दी गई है 25 की. नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. तो यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं उसे यूज करेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं चिल्ड्रेन और यहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन लिए लिखे गए हैं. जैसे ए इज इक्वल टू 10 है, इसका मतलब ए को जो वैल्यू दी गई है वो 10 है. बी 20 है, इसका मतलब बी की वैल्यू 20 है. और सी क्या कहता है, सी कहता है कि ए प्लस बी मीन्स हमें 10 प्लस 20 करना है एंड वी विल गेट 30 एज द वैल्यू फॉर सी. अब जो है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वेरिएबल कहता है ए इज इक्वल टू सी माइनस 10. अब ए जो है हमारा था, ए था हमारा 10 इज इक्वल टू सी हो गया हमारा 30 माइनस 10. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 20.
So this is what we are going to get. So children, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि we get 20. तो ये जो 20 है ये अब नई वैल्यू हो चुकी है a की, क्योंकि आंसर हमारा क्या आया 30 माइनस 10, तो ये अब इसका आंसर 20 आया. तो 20 अब जो है a की नई वैल्यू हो गई, जो पुरानी वैल्यू थी 10 वो ओवर रिटर्न हो गई, मीन्स अब वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी. अब नई वैल्यू क्या हो गई 20, नॉट 10. सो लाइक दिस यू कैन यूज दीज वेरिएबल्स. एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स. तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होता है वेरिएबल नेम्स को लिखने के लिए. सो देर आर सर्टन रूल्स इन पाइथन दैट हैव टू बी फॉलोड. तो कुछ रूल्स है पाइथन में जिन्हें फॉलो किए जाते हैं टू फॉर्म वैलिड वेरिएबल नेम, वैलिड वेरिएबल नेम फॉर्म करने के लिए. द रूल्स फॉर वैलिड आइडेंटिफायर आर, जो रूल्स हैं वो क्या है. पहला रूल कहता है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट. जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा एक अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, भले ही वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, और या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर. ये जो वेरिएबल नेम है इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है. नॉट, नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड. इनके अलावा कोई और कैरेक्टर अलाउ नहीं है. अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम. ये जो कीवर्ड है उसे एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज किया जा सकता. अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ. ये जो वेरिएबल नेम है किसी भी लेंथ का हो सकता है. वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. ये जो वेरिएबल नेम्स हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एज और एज जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें. तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं वेरिएबल नेम्स के, जैसे कि क्लास, कॉमा, ईएमपी, अंडरस्कोर कोड, टोट सैलरी, मिन वैल्यू, बैल अंडरस्कोर फी, एज 1980, ए 45 आर. तो आप देख सकते हो सब में क्या है, एक जो है अल्फाबेट को यूज़ किया गया है. एग्जाम्पल्स ऑफ सम इनवैलिड वेरिएबल नेम्स आर, कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स आपके सामने हैं, वो है एम्प्लॉय कोड. स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम. तो जब भी हम कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस इज नॉट अलाउड. अगला है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. वेरिएबल नेम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. नेक्स्ट है डैश इज ए बी ए डॉट बी डॉट सी डॉट लिमिटेड. तो यहाँ पे डॉट इज नॉट अलाउड. फिर आती है बारी ए बी सी एट द रेट एल टी डी. स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम. स्पेशल कैरेक्टर क्या है, एट द रेट, तो ये अलाउ नहीं है, सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. else, else is a keyword in python. ये keyword है python में, so it cannot be used as variable name. इसे जो है हम as a variable name नहीं use कर सकते. तो children ये सारी गलतियाँ हमें नहीं करनी है जब भी हम कोई variable name लिख रहे हैं. Note, if a variable is being used without assigning a value, अगर किसी variable को हम किसी value को assign किए बिना ही use कर रहे हैं तो क्या होगा, if the variable is not defined it gives an error. अगर वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तो वो एक एरर मैसेज देगा. द फॉलोइंग कोड्स गिव्स एन एरर बिकॉज द वेरिएबल एक्स इज यूज इन द प्रिंट फंक्शन. ये जो कोड है ये दिए गए हैं, गिव्स एन एरर, ये एक एरर मैसेज देते हैं. आप देख सकते हो रेड कलर से एक एरर मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स इज यूज टू प्रिंट फंक्शन. यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में x वेरिएबल को यूज किया गया है विदाउट बीइंग डिफाइंड, बिना इसको डिफाइन किया. अगर x की कुछ वैल्यू होती तो ही ये आपको करेक्ट मैसेज देता. तो आप देख सकते हो a की वैल्यू 100 दी गई है, b की वैल्यू 100 दी गई है, प्रिंट लिखा है प्रिंट x, तो x का कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपको क्या एरर मैसेज आया है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लिस्ट फाइल प्रॉप शेल लाइन 1 इन मॉड्यूल प्रिंट x. नेम एरर, एरर क्या है, नेम x इज नॉट डिफाइंड. सो ये आपको आया है एक एरर मैसेज. तो ऐसे एरर मैसेज आपको देखने को मिलेंगे. नाउ वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड. अब देख तो हमने पढ़ा इंटरैक्टिव मोड, अब हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट मोड. सो द इंटरैक्टिव मोड इज प्रिफर्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम. छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिखने के लिए आप इंटरैक्टिव मोड यूज करते हैं. वेयर ओनली अ फ्यू कमांड्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड. जहाँ पे सिर्फ थोड़े बहुत कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होता है.
दिस इज बिकॉज द आउटपुट ऑफ द इंटरैक्टिव मोड इज कंप्रेस्ड. क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि जो आउटपुट है इंटरैक्टिव मोड का वो कंप्रेस होता है बिटवीन द स्टेटमेंट एंड में क्रिएट कन्फ्यूजन वाइल राइटिंग लॉन्ग प्रोग्राम्स. तो ये क्या कर सकते हैं? कन्फ्यूजन को क्रिएट कर सकते हैं जब हम लंबे प्रोग्राम्स लिख रहे हो. फॉर राइटिंग लेंथी प्रोग्राम्स इन पाइथन द स्क्रिप्ट मोड इज यूज. अगर आप लंबे प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हैं पाइथन में तो स्क्रिप्ट मोड यूज किया जाता है. यूजिंग दिस मोड यू कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन प्रोग्राम्स. और इस मोड को यूज करके आप एडिट कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम्स को. इन दिस मोड यू कैन ऑल्सो सेव योर फाइल्स. इस मोड में आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो सो दैट दे कैन बी यूज लेटर, ताकि ये बाद में यूज किए जा सके. एंड द कम्प्लीट स्क्रिप्ट इज रिटन इन एन एडिटर. और ये पूरा स्क्रिप्ट है इसे एडिटर में लिखा जाता है. तो चलिए पढ़ते हैं अब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल. सो टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट मोड फॉर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल और प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए, उन्हें फॉलो करना है. पहले हमें आइडल पाइथन स्क्रीन को खोलना है इंटरैक्टिव मोड में. फिर वहाँ पे इंटरैक्टिव मोड में हमें फाइल पे जाना है. उसमें जाके न्यू फाइल बटन पे क्लिक करना है. अब न्यू फाइल हमारे सामने आ गई. इन द न्यू विंडो दैट ओपन्स टाइप द कमांड यू वांट टू सेव एज अ प्रोग्राम एज शोन इन डायग्राम. तो ये जो कमांड है ये मुझे टाइप करना था तो ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे. नाउ क्लिक ऑन फाइल एंड सेव. अब हमें फाइल पे जाना है, सेव बटन पे क्लिक करना है एंड सेव द फाइल विद द नेम प्रोग्राम .py. program.py के नाम से हमने सेव किया है. py.py इज एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स. तो .py क्या है? ये एक एक्सटेंशन है पाइथन फाइल्स का. नाउ हाउ कैन वी रन मॉड्यूल स्क्रिप्ट और प्रोग्राम. कैसे रन करना है इसे? आफ्टर पाइथन प्रोग्राम फाइल इज क्रिएटेड. जैसे ये फाइल क्रिएट हो जाती है यू कैन रन द प्रोग्राम बाय दीज स्टेप्स. पहले हमें आइडल पाइथन स्क्रीन खोलना है, फिर फाइल पे जाना है, फिर ओपन पे जाना है. यू कैन डायरेक्टली फॉलो द नेक्स्ट स्टेप. उसके बाद आप जाओगे रन पे. ये देखिए आपके सामने रन है. रन मॉड्यूल पे जाना है. यहाँ पे जाके आप इसकी जगह पे F5 भी प्रेस कर सकते हो. तो जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. द आउटपुट विल बी जनरेटेड इन द पाइथन शेल विंडो. और जो आउटपुट है वो आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा. ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्ट मोड एंड द इंटरैक्टिव मोड एज शोन इन द डिफरेंस. तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रिप्ट मोड भी है और इंटरैक्टिव मोड भी है. दोनों को ही आप देख सकते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. नेक्स्ट कम्स डेटा टाइप्स. सो सपोज यू हैव प्लान्ड अ हॉलीडे ट्रिप ड्यूरिंग वेकेशन एंड यू हैव टू बुक टिकट्स फॉर योर फैमिली मेंबर. मान लेते हैं कि आपको एक हॉलीडे पे जाना है और आपने क्या किया है, टिकट्स को बुक किया है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए. द फर्स्ट सेक्शन दैट यू नीड टू टेक इज टू फिल अ फॉर्म. जो पहला काम आप क्या करोगे, फॉर्म को फिल करोगे ताकि आप रिजर्वेशन ले सको. वेयर यू नीड टू गिव योर रिक्वायर्ड डिटेल्स. जहाँ पे आपको अपने डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आप ट्रेन नंबर फिल करोगे, आप अपने डेट ऑफ जर्नी फिल करोगे, नेम डालोगे, एज डालोगे और भी सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पे फिल करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, एवरी पीस ऑफ डेटा दैट यू एंटर इज अ स्पेसिफाइड टाइप. तो जिस भी तरीके का हम डेटा यहाँ पे यूज करें वो अलग अलग तरीके का होता है. As your name is a string type, क्योंकि आपका जो नाम है वो एक string type में है. Age is a numeric type, age जो है numeric type का है. Date of journey क्या है, ये date type है. Similarly, you have to specify in the program what kind of values will be stored in specific variable. तो आपको क्या करना होगा, program में ये mention करना होगा कि किस तरीके की specific value आपको चाहिए particular चीज़ के लिए. इसे है हम data type कहते हैं. बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन. कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं पाइथन में वो पढ़ेंगे. सो इन पाइथन आर डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. ये जो डेटा टाइप है ये रिप्रेजेंट करता है किस तरीके का डेटा हम यूज कर रहे हैं. द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के, हमारे पाइथन की मेमोरी में जो डेटा है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है. Python has various standard data types. Python में बहुत सारे standard data types मिलेंगे based on the type of value. किस तरीके की value है उसके basis पे. For example, a student's marks are stored in a numeric value. जो marks हैं वो हमेशा numeric value में, क्योंकि numbers वहाँ पे use होते हैं तो numeric value use की जाती है. Whereas his or her address
is used in alphanumeric characters. लेकिन जो उसका एड्रेस है उसमें alphanumeric characters को यूज किया जाता है, मीन्स अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं और नंबर्स भी यूज होते हैं एड्रेस लिखने में. द बेसिक डेटा टाइप यूज इन पाइथन आर मैंशन हियर. तो यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिए गए हैं एंड द फर्स्ट वन इज INT, जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल नंबर्स, नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. इसमें क्या है, ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन. पाइथन में तीन तरीके के इंटीजर्स है, पहला है इंटीजर, फिर है लॉन्ग इंटीजर और दूसरा है बूलियन. सो इंटीजर इट स्टोर्स द वैल्यूज फ्रॉम द हियर टू हियर. इंटीजर क्या करता है, माइनस दिस नंबर से प्लस दिस नंबर तक सारी वैल्यूज को स्टोर करता है. लॉन्ग इंटीजर क्या करता है, इट सपोर्ट्स अ वैल्यू दैट लाइज बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंटीजर्स. मींस इस ये जो वैल्यूज हैं इससे आगे की वैल्यूज को भी लॉन्ग इंटीजर होल्ड करता है या सपोर्ट करता है. अब बूलियन है, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल वैल्यूज का इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ये वैल्यूज को स्टोर करता है. इन बूलियन जीरो रिप्रेजेंट फॉल्स, जीरो का मतलब यहाँ पे फॉल्स होता है और वन का मतलब यहाँ पे ट्रू होता है. नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट इज फ्लोट. अब इंटीजर्स के बाद इसकी बारी आती है फ्लोट की. इट रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नंबर्स इनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है. द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मे बी जीरो एज वेल. यहाँ पे जीरो भी कंसिडर किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स आर 3.14, -48.6, 18.0. तो ये जो आपके जो नंबर्स हैं इन्हें ये जो है जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको शो करता है. नेक्स्ट कम्स स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को जिसमें सिंगल और डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हुए होते हैं, जैसे कि हेलो, माय नेम, 218, पीस, एक्सेट्रा. तो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं डेटा टाइप के पाइथन में. यहाँ पे पहला है नंबर, जो कि एक इंटीजर फॉर्म है. 7.9 क्या है, ये एक फ्लोट फॉर्म है. कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा तो ये स्ट्रिंग फॉर्म है. 7 इज ग्रेटर देन 3, ये एक बूलियन है. यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स आपको मिलेगा आंसर. You can assign a multi-line string to a variable by using three quotes. आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो multi-line string को किसी भी वेरिएबल में three quotes को भी यूज़ करके. आप देख सकते हो three quotation marks यूज़ करके. For example, a की वैल्यू आपने डाली है, a data type represent the type of data stored in a variable and the data store in a memory card. Memory can be of many types. So do here off लिख दीजिए यहाँ पे and we have close these three quotation marks. So like this you can assign multiple strings also to a variable. Next is using input function. अब कैसे हम input function को use करते हैं. The input function is used to accept the value from for a variable from the user. तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है जो भी वैल्यूज हैं किसी भी वेरिएबल से किसी भी यूजर के थ्रू. टू इनपुट इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज. अगर हमें इंटीजर को इनपुट करना है या फ्लोट वैल्यू को इनपुट करना है तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे INT और फ्लोट अलॉन्ग विथ इनपुट फंक्शन. तो INT और फ्लोट को हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन के साथ. फॉर एग्जाम्पल हमने ए की वैल्यू यहाँ पर डाली है इनपुट and enter the first value. तो first value है 200. अब B input the second value. Enter the second value. Input डाल के हमने ये command दिया and हमने enter की second value 300. So in Python the input function takes one string argument. Python में ये जो input function है ये one string argument लेता है. This means that whether value is being entered by the user it will be taken as a string argument. तो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि भले ही हमने वैल्यू यूज़ की है या वैल्यू एंटर की है उसे हमेशा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सी द प्रोग्राम इज हियर. तो जैसे हमने डाला इनपुट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 200, इनपुट सेकंड वैल्यू एस 300 और थर्ड हमने लिखा सी ए प्लस बी.
तो आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आया, 200 300, मींस यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई है, 200 और 300 दोनों ही नंबर्स को ऐड नहीं किया गया है. ऑब्जर्व इन द प्रोग्राम अबव प्रोग्राम व्हेन यू एडेड द टू नंबर, जब हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया, यू डू नॉट गेट द सम, आपको सम नहीं मिला, रैदर द नंबर्स आर जॉइंट टुगेदर एंड आर प्रिंटेड एज अ स्ट्रिंग. तो यहाँ पे ये नंबर्स जो है ऐड नहीं किए गए और इन्हें स्ट्रिंग के तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया, प्रिंट कर दिया गया. नेक्स्ट आप देख सकते हो थर्ड प्रोग्राम, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू डाली, ए इनपुट, फर्स्ट वैल्यू जो कि आपने 200 डाली, फिर आपने डाली एंटर द सेकंड वैल्यू में आपने वैल्यू डाली 300, फिर आपने क्या किया प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी कर दिया. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है और ये एरर मैसेज क्या कह रहा है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग के साथ हम इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो आप देख सकते हो कैसे एरर मैसेज आपके सामने आ रहा है इस प्रोग्राम में. सो इन दिस प्रोग्राम व्हेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज यू गेट एन एरर, आपको एरर आया. This is because the string values cannot be multiplied together. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो string values हैं उन्हें एक दूसरे के साथ multiply नहीं किया जा सकता. To work with the values provided by the user, Python provides a method as discussed and given in the given example. तो अगर आप चाहते हो कि ये values multiply हो या add हो, तो आपको वो ना करके ये जो अगला program है इसे follow करना होगा. तो यहाँ पे आपने देखा कि a की value इंटीजर देन इनपुट दोनों ही यूज़ किया हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. तो इंटीजर यूज़ करना है, फिर इनपुट यूज़ करना है, फिर एंटर करना है फर्स्ट नंबर, फिर वी की वैल्यू में आपने इंटीजर इनपुट और फिर जो सेकेंड नंबर है उसकी वैल्यू डाली है. अब आपने प्रिंट में क्या लिखा है, द सम ऑफ द नंबर्स इज ए प्लस बी. अब आप देख सकते हो 100 और 300 का रिजल्ट आपके सामने है जो कि 400 है. ऑब्जर्व व्हेन यू यूज इंट एंड देन फंक्शन The values are converted into integer. जैसे हमने int function type किया, जो values है वो integers में convert हो गए और add कर दिए गए. Next you can see there are program number 5 and 6 in front of you. 5 में आपने क्या किया, a की value int डाल के आपने लिखी है, फिर b की value आपने लिखी है, int को use करके अब आपने लिखा a comma b is equal to b comma a. तो आप देख सकते हो वैल्यू फॉर आफ्टर स्वैपिंग, आप देख सकते हो ए यहाँ पे आई है और बी आपके सामने आपने लिखी है. अब इसका देख सकते हो आप रिजल्ट आपके सामने है. यहाँ पे आपने वैल्यू ए की डाली थी 100, बी की 200. अब क्या किया, वैल्यूज को स्वैप कर दिया गया. तो आप देख सकते हो पहले में 200 आंसर है, ए की वैल्यू 200 लिख दी गई है स्वैप करके, और बी की वैल्यू 100 लिख दी गई है. ऐसे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने लिखा है s इज इक्वल टू इंटीजर, देन इनपुट डाला है हमने, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड ए आर इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई s, p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई s. नाउ वी हैव टू प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर करने के लिए हम ar लिखा हमने, और पेरीमीटर लिखने के लिए हमने p लिखा है यहाँ पे. अब आप देख सकते हो जैसे आपने ये कमांड डाले, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 9, एरिया स्क्वायर 81 आ गया और पेरीमीटर 36 आ गया. तो ये कमांड्स ऐसे ही हमें यूज करने हैं और दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट इज लेट्स लर्न व्हाट इज यूजिंग प्रिंट फंक्शन, कैसे यूज करना है प्रिंट फंक्शन को. सो चिल्ड्रेन द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज और वैल्यू. ये जो प्रिंट फंक्शन है इसे यूज किया जाता है किसी भी मैसेज या फिर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए. इट कन्वर्ट्स द मैसेज और एन ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग. ये क्या करता है, मैसेज या फिर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है बिफोर राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे लिखने से पहले. इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. इट सपोर्ट्स मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस, और ये बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस को भी जो है सपोर्ट करता है टू फॉर्मेट द आउटपुट, आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, स्लैश टी टाइप के लिए यूज़ किया जाता है, स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये कुछ प्रिंट फंक्शंस हैं हमारे सामने.
Now using separator with print function, जैसे कैसे हम separator को use करते हैं print function में, so we can use this comma operator. When you use this comma operator as a separator among the values, जब हम values के बीच में ये comma लगाते हैं, the values are displayed with the space between them. तो इस comma का मतलब है कि values के बीच में हमें space डालना है. For example, हमने यहाँ पे a की value 10, b की value 20 और c की value 30 लिखी है एंड सबके बीच में हमने कॉमा लगाया है. अब आप देख सकते हो रिजल्ट क्या है, 10 स्पेस 20 स्पेस 30. सो दिस इज योर रिजल्ट. नेक्स्ट इज यूजिंग टैब स्पेस. व्हेन यू यूज दिस वैल्यू एस्केप सीक्वेंस एज अ सेपरेटर अमंग द वैल्यूज आर डिस्प्लेड विथ अ टैब स्पेस बिटवीन देम. तो जब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं तो क्या होता है, जो वैल्यूज है उसके बीच में आपको टैब स्पेस दिखाई देगा, मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा जो फंक्शन होता है हमारे टैब की का. तो आपने यहाँ पे ए की वैल्यू 10 लिखी है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 है. अब आपने कमांड दिया ए कॉमा देन टैब स्पेस कॉमा बी कॉमा टैब स्पेस कॉमा सी. तो आपको देखिए रिजल्ट क्या है, 10 फिर टैब की फिर 20 फिर टैब की फिर 30. नेक्स्ट इज यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर. न्यू लाइन कैरेक्टर को कैसे यूज करते हैं, ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है पाइथन में इज यूज टू एंड अ लाइन, लाइन को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन, नए लाइन में जाने के लिए होता है. इन प्रिंट द न्यू लाइन कैरेक्टर कैन बी यूज विद द इनपुट. ये जो प्रिंट में ये जो पाइथन है इसमें ये न्यू लाइन को इनपुट के साथ यूज किया जाता है एंड विद द प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के साथ यूज करते हैं. द न्यू लाइन कैरेक्टर यूज इन पाइथन इज, आप देख सकते हो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 एंड सी की वैल्यू 30 एंड ए कॉमा न्यू लाइन बी कॉमा न्यू लाइन एंड सी कॉमा. सो आप देख सकते हो कि 10 ऊपर लिखा है फिर 20 उसके नीचे लिखा और 30 उसके नीचे लिखा गया है. तो ऐसे क्या है, हम नई लाइन में जा सकते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज करके. Now let us consider another example. तो चलिए जल्दी से देखते हैं दूसरा example क्या है. Suppose you want to make a program to accept the name. आपको एक program बनाना है जिसमें name, age, marks जो है लिखने हैं student के. तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप ये जो code दिया गया है नीचे से हम लिखेंगे. तो आपने name के बाद लिखा input, enter your name. Age के साथ input, enter your age. Class के साथ input, enter your class. अब आपने क्या किया, print your name है फिर प्रिंट योर एज इज एज एंड प्रिंट योर क्लास इज क्लास. अब आप देख सकते हो एंटर योर नेम में प्रियम है, एंटर योर एज में 2 है, एंटर योर क्लास प्री नर्सरी, योर नेम इज प्रियम, योर एज इज 2, योर क्लास इज प्री नर्सरी. तो जो भी हम कमांड्स दिए, हमने कमांड्स दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके सामने रिजल्ट आ गया है. नाउ इन द पाइथन स्क्रिप्ट फाइल एड एन विद द इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन. अब हमने क्या करना है, n को ऐड करना है इनपुट ऑफ प्रिंट फंक्शन के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट को आपने यूज़ किया है, नेम एज इनपुट एंड क्लास इनपुट. अब आपने नीचे प्रिंट किया है, प्रिंट नेम प्रिंट एज एंड प्रिंट क्लास एंड हियर व्हाट यू गेट द रिजल्ट. आपने नाम लिखा है लावण्या, एज 4, क्लास नर्सरी, योर नेम इज लावण्या, योर एज इज 4, योर क्लास इज नर्सरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर नेम के बाद लावण्या अगली लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा कमांड यूज़ किया है, हमने नेक्स्ट लाइन कमांड यूज़ किया है. योर एज इज 4, 4 भी नई लाइन में लिखा है और योर क्लास इज नर्सरी, ये भी न्यू लाइन में लिखा हुआ है. यहाँ पे सारे एक ही लाइन में और यहाँ पे लाइन चेंज हो गई है. सो जो भी हमने कमांड्स यहाँ पे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग द रिजल्ट ओवर हियर. Now in the above output window, in order to give a better understanding, the text and values are placed one after another. तो एक अच्छा understanding देने के लिए जो text और जो values है उसे एक के बाद एक लिखा गया है. So this was the chapter, children. I hope you understood what is Python and why we use, how we use it. Now let's revise whatever we have learned in this chapter. So Python is a high level language used to write codes for computer programs. Python was created by Guido van Rossum when he was working at Centrum
Viscode and Informatica, which is a National Research Institute of Mathematics and Computer Science in Netherlands. The interactive mode is useful for testing codes where you type the command one at a time and get the result or error immediately. For writing lengthy programs in Python, script mode is used. Using this mode, you can create and edit Python programs. Name storage location in the computer memory, which are used to store data, are called variables. The print function is used to print a message or value. It converts the message or an object into a string before writing it on the screen. So this was all that we have learned in this chapter. Now children, let's move on to the book exercise, which is check yourself. So let's start with A exercise, which is take the correct option. So children, here the first question is, which of the following data type is not supported in Python? कौन सा data type है जो यहाँ पे Python में support नहीं करता? So is it char, float, int, or none of these? So it is char. Next is, when a new value is stored in variable, जब एक नई value को variable में डाला जाता है, the previous value gets, जब previous value वो क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है, ओवर रिटन हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, या फिर कुछ भी नहीं होता, सो इट गेट्स ओवर रिटन. लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट टू क्वेश्चंस ऑन योर ओन. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाइथन वॉज क्रिएटेड बाई ग्यूडो वैन रिसन, एंड द सेकेंड वन इज, द एंटर की इज प्रेस टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम. डू द रेस्ट योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रू और फॉल्स. To evaluate an arithmetic expression को evaluate करने के लिए it's not necessary to use print function. Yes, it's true. A variable name can consist of letter, digits and underscore. Yes, this one is also true. So children, do the rest questions yourself. Now let's move on to answer the following questions, which is the D exercise of your book. So children, here the first question is, write any three features of Python languages, Python language. So the three features of Python language are, it's easy to learn and is a high level language. Second one is, it has simple syntax which anybody can easily learn. And third one is, it is case sensitive, which means it can differentiate between the capital and the small letters. Next comes, what is a variable? So children, the storage location in your computer memory that stores the data is called a variable. Now children, like this you have to answer the rest questions, question number 3, 4, 5 and 6. And I hope everything is clear to you. With this, we have completed the chapter. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.